चार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, रोकता है क्यों भला एक मिनट, तुम तो वही लड़की हो ना जिसने हयात को धोखा दिया था? अज़मी साहिबा, मुराद पागल हो गया है क्या? ये काफी नहीं था कि वो अपनी माँ को याद ला रहा है और अब ये लड़की भी? हाँ, ये लड़की धोखेबाज है, मैं इसे याद नहीं रहने दूंगी। तुम दखल मत दो दारिया। क्यों नहीं बोलूं मैं? निकालें इस लड़की को यहाँ से। खामोश हो जाओ दारिया। दारिया मैडम, आप गलत समझ रही हैं मुझे। मुराद साहब को सब कुछ बता चुकी हूँ मैं। तुम हो तो वही लड़की ना जिसने धोखा देकर पैसे लिए थे। मेरे लिए बस यही काफी है, फौरन निकलो यहाँ से। बहुत हो गया, हद में रहो अपनी। मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकती, समझी आप? ठीक है, मत रहो। नहीं रहना चाहती तो जाओ, दरवाजा खुला है, जहाँ जी चाहे चली जाओ। तुमने बताया कि तुम मुराद से बात कर चुकी हो, मुझे कुछ नहीं कहना। फिर कल आना और अपना काम शुरू कर देना। हाँ बोलो। अच्छा, एक मिनट रुको। और या, क्या तुमने उन लड़कों को मेरा नंबर दिया था? अब वो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। क्या कह रही हैं आप? ठीक है, तुम दोनों मेरा वहीं इंतजार करो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। मुझे डबल क्रॉस नहीं करना, समझी तुम? दारिया मैडम, तकलीफ दे रही हैं आप मुझे। तुमने उन लोगों को मेरा नंबर कैसे दिया? नहीं, मैंने नहीं दिया। तो उनको नंबर कैसे मिला और वो लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते? मैं नहीं जानती, सच कह रही हूँ मैं। सच कह रही हूँ दारिया मैडम, और इस मामले में आप मुझे ना घसीटें। ये सब उन दोनों से मिलवाने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम्हारी जान इतनी जल्दी नहीं छूट सकती। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं हो रहा। इस लड़की से एक काम सही नहीं होता। मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूं। बंद रखना अपना मुंह। अब जो नुकसान किया है उसे जल्दी समेटो। आइंदा ख्याल रहे इस बात का। ये वो काम हैं जो मुझे मरने से पहले करने हैं। नंबर 1, अज़मी से शादी करनी है। दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपने दिल की सुनो बस। और दूसरा, अज़मी के साथ ब्लैक बीच पे जाऊं और उसके लिए अच्छी सी टेबल सजाऊं। टेबल पर फ्राई फिश, साथ में खट्टा अचार, कीमा पराठा और उसके साथ मीठा। और इसके साथ अगर तिक्के भी हो जाएं तो मजा आ जाए। हम दोनों आराम से पूरा दिन गुजार सकते हैं। खाने का तो पूरा हो गया, फिर लंच के बाद शाम का प्रोग्राम। नंबर 3, लंच करने के बाद अज़मी को साथ लूं और फिर हम दोनों बीच पर पुरसुकून वॉक करें। और जब सूरज की रोशनी कम हो रही हो, आसमान पर अंधेरा घुप हो, ऊपर से चांदनी पड़ रही हो और उस चांदनी में मैं उसकी आंखों में सिर्फ अपनी ही तस्वीर देखूं। वाह 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 वाह। लेकिन ये सब करने से पहले मुझे एक काम और करना है, तो क्यों ना जैसे मुराद ने हयात के लिए बर्फबारी की थी, क्यों ना मैं अज़मी के लिए करूं ऐसा जबरदस्त। आज ही अज़मी के घर के सामने जाके सारा इंतजाम करता हूं। बर्फ गिर रही होगी और उसके साथ कुछ और भी होना चाहिए, लगे कि हशमत ने किया है। बर्फबारी के साथ एक सजा हुआ ट्रे, क्या छुपा रहे हैं बाबा जान? अरे मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा, और तुम क्यों दबे पांव चली आ रही हो एक जासूस की तरह? चुपचाप से अंदर आ गई। मैं कॉफी लाई थी दोनों के लिए कि हम साथ बैठ के पियेंगे। नहीं बहुत शुक्रिया, दोनों तुम पी लो, मुझे जरा काम से जाना है। बैठकर कॉफी पियो। क्या हुआ है मैंने आपा, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? देखा नहीं तुमने बाबा ने अपना क्या हाल कर लिया है। कल हयात भी यही बता रही थी कि उसकी भी सुलह नहीं हुई अभी मुराद से, और शुक्र है हयात के बाबा का फोन नहीं आ रहा। मैंने आपा, मेरे दिमाग में दरअसल कुछ है जिसे आपको और दादाजी को सुनकर सुकून होगा, और हयात और मुराद को भी। एक तीर से दो शिकार। तुम गलत कर रही हो स्वीटहार्ट, तुम्हें माफ कर देना चाहिए। तुम गुस्सा हो, वो गुस्सा है, इस तरह क्या होगा और लोग क्या कहेंगे? मोहब्बत में तकब्बुर नहीं होता जैसा कि तुम कह रही हो। उसे परेशान मत करो, वो जैसा करता है उसे वैसा ही करने दो, और जो कुछ उसने मेरे साथ किया वो मैं भूल जाऊं आराम से। क्या बात है टोल तुम्हारी यार, मैं कितनी टैलेंटेड हूँ, मेरा कोई जवाब नहीं। मैं ड्रेस की बात नहीं कर रही टूल, मैं अपनी और मुराद की बात कर रही हूँ। हाँ उसने कहा कि हम दोनों आजाद हैं। क्या वाकई उसने ये कहा? कोई मसला नहीं, मुझे ये बताओ कि उसने इस तरह से तो नहीं कहा। हाँ आज से आजाद हैं हम दोनों। एक्सप्रेशंस ये तो नहीं थे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही किया था। ओह अकल के नाखून लो बेबी, वरना पछताओगी तुम। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है लड़की, तुम्हें मुराद का मालूम है कि जब वो आज़ाद होता है तो किस तरह जिंदगी गुजारता है? नहीं मुझे नहीं मालूम कैसे जिंदगी गुजारता है वो। यू हैव नो आइडिया। बेचारी मेरी मासूम दुल्हन। ये थोड़ा मेरी सोच से हटकर था। अरे टूल पागल हो, कैसी बातें करी हो? हाँ टूल पहेलियां नहीं बुझाओ, सच सच बताओ। क्या तुम सच सुनने के लिए तैयार हो लड़की? हयात, मुराद एक बासूल आदमी है, ओके? अपना सारा काम जैसे ही 3 बजते हैं खत्म कर देता है, फिर वो ऑफिस से चला जाता है जैसे कि कहीं गायब हो गया हो। चला मैं 3 बजे चला जाऊंगा, तुम मेरी जगह मीटिंग संभाल लोगी ना? जरूर मुराद सर, सारी मीटिंग्स मैंने हैंडल करनी है। कहाँ पर? हाँ वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, आप फोन के जरिए उस तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। रातों को मुराद गायब रहता है, कहाँ किसके साथ और क्यों कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं। नो पार्टी। चला वीकेंड ऑफ रखना, मैं नहीं होऊंगा। ठीक है मुराद सर, मुराद सर नहीं होंगे इसलिए वीकेंड्स ऑफ होंगे। मिस्टर मुराद कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? यानी मेरा मतलब हम पुराने टाइम पे वापस आ गए हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बताइए। नहीं तो भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तो क्या मैं मिस हयात को भी रिजर्वेशन में ऐड कर सकती हूँ? नहीं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बता दूंगा तुम्हें। ज़रूरत होगी तो बता देंगे, लेकिन आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? चला तुम जॉब करती हो और काफ़ी अक्लमंद भी हो, बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से काम रखो बस। वो मुझसे गलती हो गई, मैं माजरत चाहती हूँ मुराद सर, सॉरी। मैंने क्या बोल दिया इनको? चला, तुम पागल हो, बिल्कुल पागल हो। बताओ मुझे, फिर वो वीकेंड पे कहाँ जाता है? या तो लंदन बेबी या फिर पेरिस, किसी को कुछ खबर नहीं होती। हो सकता है रोम में या तो फिर बार्सिलोना, और हो भी सकता है कि टोक्यो। अब दुनिया उसके लिए बहुत छोटी जगह है, क्योंकि पायलट को कॉल करता है और निकल जाता है। ये इतना आसान है? यकीनन आसान है, उसके लिए क्या मुश्किल होगी? उसके पास तो अपना खुद का जेट है। यकीनन तुम्हें दुख नहीं हो रहा होगा। आखिर हम आजाद हैं, वो आजाद, मैं आजाद, तो क्या हुआ? अगर कुछ नहीं हुआ तो ठीक है। मतलब जब मैं बता रही थी तो तुम काफी परेशान लग रही थी। अच्छा छोड़ो, ड्राइंग सिखाओ मुझे। ये क्या है बेबी? ये ड्रेस की ड्राइंग नहीं बल्कि स्केच है मुराद का। यकीन नहीं आता मुझे कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम्हें फर्क पड़ता है। मिस्टर हशमत, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी, मुझे जरूरी काम था, मैं थोड़ा लेट हो गया। सबसे पहले तुम एक बात सुन लो, अब तुम मुझे मिस्टर हशमत नहीं बल्कि हशमत दादा कहोगे। हशमत दादा, ठीक है? आइंदा से ऐसा नहीं होगा। जी कहिए। सीधा मैं अपनी बात पर आता हूँ। मैं तुम्हारे पास एक मदद के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ आजकल तुम्हारी और हयात की कुछ बन नहीं रही, लेकिन एक मामले में तुम बहुत जीनियस हो। उस मामले में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं बहुत हैरान हूँ हशमत दादा, मतलब मुझ में इस तरह की कोई भी खूबी नहीं है और आप मुझसे इतने तहम्मुल से बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाहर लाल बर्फ गिर रही हो। बिल्कुल ठीक कहा, हमें वही करना है। क्या अभी लाल बर्फ कहा? बस ये बताओ वो बर्फ गिराई कैसी थी? मशीन के जरिए। ऐसी कोई मशीन है क्या? जी हाँ। मुझे कहाँ मिलेगी वो मशीन? मैं ढूंढूंगा आपके लिए। तुम रहने दो, मुझे ही पता बता दो जहाँ मिलती है। आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। दिखाओ, मैं लिख लूँ। अरे दादा आप रहने दे, मैं हैंडल कर लूँगा। नहीं नहीं, मैं खुद करूँगा क्योंकि ये मेरा काम है। +00157 बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या मुझे इजाजत है? ठीक है, चलो अब तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। जी खुदा हाफिज। ये काम तो मुझे लाजमी करने हैं मरने से पहले। अज़मी से शादी, जिसके लिए मुझे मुराद भी नहीं रोक सकता। मैं क्यों रोकूंगा, बुजुर्ग है मेरे। दूसरा, उसको साथ रखो जिसको तुम चाहते हो, और डिनर के बाद लंबी वॉक पे निकल जाया करो। दादाजी के प्लान देखिए। मैं अपने आखिरी वक्त के सारे फैसले मुराद को देना चाहता हूँ, वो सब संभाल लेगा। यहाँ तक कि मेरे बाद वो मेरी फैमिली को भी संभाल लेगा। ये सब क्या है? अरे वो मेरा हाथ से लिखा हुआ पर्चा रह गया, यहाँ है। ये तो नहीं है? हाँ यही है, मैं आपको ही देने आ रहा था। बहुत शुक्रिया बेटा। कहीं तुमने ये पढ़ा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा अब मुझे चलना चाहिए यहाँ से। खुदा हाफिज। मुझ पर इतना भरोसा करते हैं? हमने वही किया जो आपने कहा, बस हमें हमारे पैसे दे दें। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? एक तो मेरे बेटे पर हमला किया, उस पर मजीद पैसे भी चाहिए तुम लोगों को। शुक्र करो अब तक पुलिस को नहीं बताया मैंने सब कुछ। लेकिन हमारी तो डील हुई थी। डील हुई थी, दोनों अब पुलिस के पास जाकर आराम से डील करना। जो तुम लोगों ने किया है ये उसके लिए कम है। तुम हमें जानती नहीं हो और तुम अभी मुझे नहीं जानते। अगर किसी से डरती तो इतना बड़ा काम नहीं करती। तुम जैसे चोरों को अपने घर में ना आने देती मैं। आइंदा अगर तुम लोगों को मैंने अपने इर्द गिर्द भी देखा तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। बेहतर होगा समझ जाओ। तुम्हारी जबान बंद रहे इसी में समझदारी है। धमकी देकर गई है। से आ रही थी ड्राइंग लेकर। मुराद, कहां से आ रहे हो? क्या मुझे ये सब बताना चाहिए? मैं जानती हूं कि बाहर से आ रहे हो, बस ऐसे ही पूछ रही थी तुमसे। हम दोनों आजाद हैं, अभी सुबह तो ये बात हुई है हमारे दरमियान, और तुम मेरी आजादी में दखल अंदाजी कर रहे हो खामखा। ठीक है, तो फिर आइंदा नहीं करूंगी मैं। हयात दादाजी कैसे हैं? ठीक है, तुम्हें उनकी क्यों परवाह है, वो मेरे दादा हैं। मैं तुम्हारे पास सिर्फ ये ड्राइंग लेकर आ रही थी। मैं अभी जरा बाहर जा रहा हूँ, बाद में आके देख लूंगा, फिक्र मत करो तुम। लेकिन इस वक्त तुम जा कहाँ रहे हो? ये आप एक पार्टनर की हैसियत से पूछ रही हैं या बीवी होने की वजह से? एक पार्टनर की हैसियत से। तो फिर माजरत चाहता हूँ, मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि पार्टनर एक दूसरे को जवाबदेह नहीं होते। बस इनको एक नजर देखकर अपनी राय दे दो। तुम्हारे पास मेरे लिए 3 मिनट भी नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं एक उसूल पसंद आदमी हूँ। एंड टाइम इज ओवर। जी मैं समझ गई मुराद साहब। हाँ, मैं टुवल और एमरे से मालूम कर लेती हूँ। एमरे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। एमरे, सैंपल्स लाया था, ये सब नए और अच्छे भी लग रहे हैं और हॉट भी। आई कैसी बातें करती हूँ मैं। दरअसल मैं तुम्हारे पास ये ड्राइंग लेकर आ रही थी तुमसे सजेशन लेने के लिए। क्या ये नई ड्राइंग्स हैं? बिल्कुल। फिर तो देखना पड़ेगा कि आपने क्या तीर मारा है। क्यों ना हम शोरूम में चल के बात करें? हम इसे ऑफिस में चेक कर लेते हैं, मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है। आइए। अब मैंने क्या किया? अरे खुशामदीद, आइए। कैसी हैं आप अज़मी साहिबा? और यहाँ आगे आओ, ये चीजें तुम संभाल लो। हम खाने में मीठी बातें और डेजर्ट लेके आए हैं। आपने ये जहमत क्यों की? आइए ना। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। ये आपके लिए है। हाँ। और ये दारिया मैडम और दुरुक के लिए है। अरे। और ये वाला मेरे प्यारे दामाद के लिए है। ये रिवायत तो तकरीबन खत्म हो गई हैं। आप लोगों ने पुराने जमाने याद दिला दिए। बैठिए ना, हमें हैरान कर दिया आपने। देर से लाने के लिए मैं माफी चाहूंगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए बैठिए ना आप लोग। अज़मी साहिबा, क्या वो बच्चों के बीच में जो नाराजगी चल रही थी वो खत्म हो गई? मैं संभाल लूँगी सब, आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। और करीम और एपिक के लिए भी यही चाहती हूँ मैं। और उस दिन हम लोग एपिक के लिए कुछ नहीं कर सके। ओहो, कोई बात नहीं, मैं तो कहती हूँ लगे हाथ आप अपनी भी इंगेजमेंट कर डालिएगा हाशमत साहब के साथ। क्या बात कर रही हैं इस उम्र में, खुदा के लिए। अरे भाई, एक दीवाने ने कुएं में पत्थर फेंक दिया, आपने बातें सुनी थी उनकी, बस रहने दीजिए। झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, मेरे बाबा की भी हालत आजकल ठीक नहीं है, उन्होंने तो आपसे शादी करने का ही फैसला कर लिया है। कैसी बातें कर रही हैं, इस उम्र में मुमकिन है? उम्र से इस बात का क्या ताल्लुक है? मोहब्बत ने आज तक उम्र नहीं देखी। मुझे देखिए, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैंने कोशिश की, नहीं हुई। अब जितनी भी शादियाँ होंगी उनमें सारे अरमान पूरे करूँगी, खूब मेकअप करवाऊंगी, नए नए कपड़े पहनूंगी, चमकीले भड़कीले, डांस भी करेंगे। हाँ, ऐसी बातें तो मत करें। अरे बेटा, अब हम दोनों की उम्रें गुजर चुकी हैं, इसमें हर्ज ही क्या है? अज़मी साहिबा, मेरा दिल तो चाहता है कि बाबा इस उम्र में दूल्हा बने और आप भी नई नवेली दुल्हन की तरह सजें और मैं शादी की सारी रस्में अपने हाथों से पूरी करूंगी आप दोनों की। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप अगर नहीं चाहेंगी तो कभी नहीं होगा। अरे क्यों नहीं चाहेंगी, आखिर दोनों की 50 साल की मोहब्बत है। माना मोहब्बत की उम्र नहीं बढ़ती, लेकिन मोहब्बत करने वालों की तो बढ़ती है ना। अरे आपका केक तो बहुत अच्छा लग रहा है, यकीनन जायके में भी बहुत अच्छा होगा। आप लोग यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? वो हम अपनी कज़न से मिलने हैं। कौन है आपकी कज़न? औरिया, वो यहाँ काम करती है। ये लोग मेरे कज़न से मुराद साहब। तो इन दोनों को आपने बाहर क्यों खड़ा रखा है? इन दोनों को अंदर बिठाती ना। नहीं, ये दोनों मुझे कुछ देने आए थे, अभी चले जाएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? 1 मिनट में निकलो यहाँ से। उसने हमें धोखा दिया है, पैसे नहीं दे रही वो, उसको बता देना। औरिया गलत लोगों से पंगा ले रही है। सुनाओ इसे। अगर किसी से डरती तो इतना बड़ा काम नहीं करती। तुम जैसे चोरों को अपने घर में ना आने देती मैं। आइंदा अगर तुम लोगों को मैंने अपने इर्द गिर्द भी देखा तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। बेहतर होगा समझ जाओ। तुम्हारी जबान बंद रहे, इसी में समझदारी है। अस्सलाम वालेकुम। आइए दामाद जी, आइए। हाँ, आओ आओ। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी सास तुम्हारे लिए कितने खूबसूरत कपड़े लाई हैं और कुछ सामान भी। आपका ये सब लाने का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये ले नहीं सकता, इस वक्त मुनासिब नहीं है। हाँ, ये वक्त नहीं है, लेकिन ये सब तो हम बस अपने शौक से लेकर आ गए। हरगिज, मेरा वो मतलब नहीं। फिर क्या वजह है? आप हयात और मेरे मामलात को जानती हैं। जानती हूँ, इसका तो हमें भी बहुत गुस्सा है, मगर हम क्या कर सकते हैं। उसने अभी तक जिद नहीं छोड़ी और मुझे लगता है हमारे दरमियान कुछ बुरा होने वाला है। कुछ बुरा नहीं होगा, तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना। आज बताती हूँ उसके बारे में कुछ। एक बार जब हयात 6-7 साल की थी, मार्केट में उसने गुड़िया देख ली जो उसे बहुत पसंद आई। हर हालत में लेना चाहती थी उसे। उन दिनों घर के हालात भी कुछ नासाज चल रहे थे, तो क्या करती। फिर कुछ दिनों बाद मेरे पास कुछ पैसे जमा हुए, मैंने सोचा एक गुड़िया ही तो है, दिला देती हूँ। फिर मैं फौरन मार्केट गई और वो गुड़िया लाके इसको दे दी। लेकिन जनाब, मजाल है, हाथ भी लगाया हो उस गुड़िया को उसने। क्यों भाई, क्या आप नहीं जानती? उसकी मर्जी के खिलाफ बात पे उसको गुस्सा आता है। फिर मैंने वो गुड़िया उठा के शोकेस में रख दी ताकि खराब ना हो। भाई खेलना तो दूर की बात, उसके करीब नहीं गई। चंद दिनों बाद मैंने देखा कि जब सब सो जाते वो गुड़िया निकालती और चुपके से खेलती। क्या बात है। जिद्दी। लिहाजा बेटा, ये मत समझो कि उसे गुड़िया की तरह चीजों से प्यार नहीं है। दादा, हम 3 हो गए हैं, क्यों ना हम अपना एक ग्रुप बना लें। ख्याल तो तुम्हारा बहुत अच्छा है खालिद, लेकिन ये ख्याल तुम्हें आया कैसे? दादा मैं ये भी सोच रहा हूँ अपने ग्रुप का नाम भी रख लेंगे। हाँ हाँ रख लो, मुझे बता देना। आज से ही ग्रुप का नाम सोच लें। वैसे मेरा ख्याल कैसा लगा आपको? हाँ ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताओ मेरी बर्फ वाली मशीन का क्या हुआ? मशीन तो मैं ढूंढ लूंगा आपकी, और वो भी सस्ती वाली। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, बस बातें हैं तेरी, तो बस आइडिया ही आइडिया आते हैं तेरे दिमाग में। देखना मेरी बर्फबारी ऐसी होगी जो कभी मुराद ने भी नहीं देखी होगी, सबसे अलग। फिर मैं और आज़मी खड़े हों और हल्की हल्की बर्फ गिर रही हो बस। तुम क्या कहना चाह रहे हो बेटा? खुदा के लिए कोई बुरी खबर मत सुनाना, अभी मसले तो कभी खत्म होंगे ही नहीं। ऊपर से उस लड़की को तुम नर्स के तौर पर घर ले आए हो। मुझे नहीं मालूम तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन उम्मीद है अच्छा ही होगा। नहीं दादी जान, हरगिज ऐसी कोई बात नहीं, मसला तो कुछ और ही है। क्या हुआ दादी जान? क्या एमने आंटी ने आपसे हशमत दादा के मुतालिक कोई बात की है? तुम क्यों पूछ रहे हो ये बात? वो आज आए थे मेरे पास। तुम्हारे पास क्या करने आए थे वो? मदद मांगी है। कैसी मदद? अपने मरने से पहले के सारे काम लिखे हैं उसमें। क्या? कुछ पता नहीं चल रहा, शायद वो बीमार हैं। उस दिन जब मैं तुम्हारी माँ को देखने गई थी, मैंने उन्हें अस्पताल में देखा था। तुम्हें लगता है वो बीमार है? कुछ पता नहीं, लेकिन उन्होंने सब कुछ खुद लिखा है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सब कुछ। और उन्होंने ये भी लिखा है कि मरने से पहले अपनी फैमिली की जिम्मेदारी मुराद के हवाले कर देंगे। इस तरह की बातें क्यों लिखी हैं? मुझे भी ये बात उनको समझ नहीं है। वो क्यों मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं? कंडीशन सीरियस लगती है, समझ में नहीं आ रहा। अगर उन्हें फोन करें तो बताएंगे तो वो तब भी नहीं। नहीं नहीं, अभी आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे इस मामले पे, बल्कि आप किसी से भी कुछ नहीं कहेंगे जब तक मैं सब कुछ मालूम ना कर लूँ। ठीक है दादी जान, मैं जरा चेंज कर लूँ, फिर मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, डॉक्टर से बात करनी अम्मी के बारे में। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी से शुरू हो जाओ, कहीं ठंडा ना हो जाए। ये अम्मी कहाँ चली गईं? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो हमारे लिए खाना बनाए बगैर गई हैं तो इसका मतलब है यकीनन कोई खास बात है। तुम्हें खाने की पड़ी है, खाओ, खाना सामने रखा है, सारा खा जाओ। हम दोनों ने कुछ तो पका लिया, फिक्र मत करो, भूखी नहीं रहोगी। बातें ना बनाओ, रोटी पकड़ाओ। तुम क्यों नहीं खा रही हो? भूख नहीं क्या? उस बात को लेके ज्यादा परेशान मत होना, तुमने बिल्कुल ठीक किया है। टूल ने परेशानी में डाल दिया है। मैंने और मुराद ने डिसाइड कर लिया है कि हम दोनों आज से आजाद जिंदगी जिएंगे और जो हमारा दिल चाहेगा वही करेंगे, और बस यही कुछ। पागल हो क्या? वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, कभी नहीं। तुम जो कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो, तुम्हें आगे भी यही करना है, और कमजोर मत हो बिल्कुल। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी हयात, खुदा के लिए। इस आंख मचोली के खेल में तुम उसे गंवा बैठोगी, समझ जाओ तुम। सबसे पहले उसने अपनी गलती मान ली, मुआजरत कर ली तुमसे, तुम्हारे दरवाजे तक आ गया, और तो और उसने ड्रीम नाइट भी अरेंज कर ली तुम्हारे लिए। और क्या चाहती हो तुम उससे? तुम्हारे कदमों में गिरकर माफी मांगे तब माफ करोगी तुम? कोई खेल नहीं खेल रही हूँ मैं। हाँ, लेकिन जो वक्त हमने साथ गुजारा उसे भुलाना आसान नहीं, और ये उसके लिए भी आसान नहीं होगा। वैसे वो खुद भी मुश्किलों में फंसा हुआ है। अम्मी उसकी हॉस्पिटल में है, उसके भाई पर किसी ने हमला कर दिया है। भाई पर? तो गजल की तरह उसका एक और भाई भी है। असली मुराद की बहन नहीं है गजल। तो दुरुक की बात कर रही हो क्या? यार हद कर दी, दुरुक पर हमला हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। असली रिलैक्स हो जाओ। ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? पता नहीं वो कितनी तकलीफ में होगा, उसे कितनी चोटें आई होंगी। असली, इतनी परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं तुम्हें बता चुकी होती। बस हल्की सी खराश है, अब वो बिल्कुल ठीक है। ऑफिस भी आया था। तुम हौसला रखो। मुझे तुम्हारी झूठी तसल्लियां नहीं चाहिए। जब तक मैं उसे जाकर खुद नहीं देख लूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। जा रही हूं मैं उसके पास। उफ, क्या लड़की है ये भी। ये लो दुरुक। क्या है ये? सूप है। ठीक है, लेकिन अब बीमार नहीं हूं मैं। लेकिन अभी तुम बीमारी से उठे तो हो ना बेटा। चलो पी लो, ये पी लो ना बेटा, फायदा होगा। आप तो हर चीज में बस फायदा ढूंढती हैं। दारिया मैडम, मुझे कुछ बात करनी है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं अपने बेटे दुरूक के साथ बैठी हूँ? अम्मी आप उसकी बात सुन लें, मैं ये पी लूंगा, बिल्कुल फिक्र मत करें। दारिया मैडम, बहुत जरूरी बात है। ठीक है, आती हूँ। तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, एक बार का समझाना तुम्हारी समझ में नहीं आता? क्या जरूरी बात थी? ये सुन ले दारिया मैडम, अगर किसी से डरती तो इतना बड़ा काम नहीं करती। तुम जैसे चोरों को अपने घर में ना आने देती मैं। आइंदा अगर तुम लोगों को मैंने अपने इर्द गिर्द भी देखा तो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। ये सब सुनाकर मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो बस मैं जानती हूँ सब कि तुम्हारा मसला सिर्फ पैसा है। तुम सब होते ही मतलब। ऐसा मत कहे दारिया मैडम, उनके पास आपकी रिकॉर्डिंग है। मैं तो बस आपको होशियार करी थी क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। अपने साथियों से कह दो जितना पैसा चाहिए दूंगी। कौन से साथी? आपकी वजह से फंसी हूँ मैं इस काम में। एक बात याद रखना, पैसे लेने के बाद अगर वो दोनों लड़के मुझे इस शहर में नजर आ गए तो क्या करूँगी जानती हो ना। अब तो असली भी अपने हाथ से निकल गई। वो छोटे के जाल में फंस गई जाके। मुराद के बाबा भी घर छोड़ गए हैं। कितनी अजीब बात है ना, इस तरह से गायब हो जाना। अगर वो अच्छे बाप हैं, उन्हें अपने बच्चों से प्यार तो होगा ना। और दुरूक तो अपनी माँ के करीब है ना ज्यादा। मेरी अंगूठी कहाँ है? पकड़ो। ओह शुक्र है मिल गई। ये कहाँ चली गई? क्या हुआ? तुम क्या ढूंढ रही हो? मेरी अंगूठी कहाँ है? अंगूठी तुम्हारी है, तुम्हें पता होना चाहिए। अगर मुझे पता होता कि मैंने कहाँ रखी है तो मैं उसे ढूंढ रही होती। पागल हूँ मैं। मैंने आपा, आपका दामाद तो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें तो कोई शक नहीं। अम्मी आ गई हैं, उन्हें लाजमी पता होगा। हाँ, अम्मी आपने मेरी अंगूठी कहीं देखी है क्या? हाँ, देने वाले को तो छोड़ आई, अब उसकी अंगूठी के लिए परेशान हो रही है कि किसी ने देखी तो नहीं अंगूठी। अब ये सब क्या है? ये हमारी सकाफत का हिस्सा है अगर तुम जानती हो तो। लेकिन ये सब मैं अपनी बेटी को ना सिखा सकी, ये अलग बात है। नहीं, मुझे पता है ये सब क्या है। हाँ, तो आप सब जानती हैं। आप जरा बताएंगी? ये सामान वापस ले आए हम। हमारे दामाद ने हमें ये सामान वापस कर दिया। अब बताओ जरा क्यों लेकर आए हम? हाँ हाँ, कैसे बताओगी? मैं बताती हूँ, गौर से सुनना। दामाद जी ने कहा है कि आपकी लड़की मुझे प्यार बिल्कुल नहीं करती और ये कहा है कि मैं ये तोहफे नहीं ले सकता, आप वापस ले जाएं इन्हें। इन्हें क्या हो गया? देखो देखो हमारी शर्मिंदगी, पानी पानी हो गए हम। कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, कहीं का नहीं। अच्छा तो ये बात है, अगर उसने नहीं लिए तो ठीक ही किया, उसे नहीं चाहिए होंगे। नहीं है मैंने आपा, नहीं। इस लड़की ने तो हमारे दामाद को ऐरा गैरा समझ रखा है। वैसे अगर ऐसा शौहर मेरा होता तो मैं उसको कभी ना छोड़ती। मैं समझी नहीं, क्या कहा आपने? अंदाजा है कुछ? या आप जानती नहीं है उसने मेरे साथ क्या किया है। और आखिर ऐसा हो क्या गया जो मुराद एकदम आपकी आंखों का तारा बन गया? क्या किया है उसने तेरे साथ? हाँ, ऐसा किया क्या है उसने तेरे साथ? बता दे हमें, हमें भी पता चले। बताती क्यों नहीं? धोखा दिया है, शराबी है, मारता है, गालियां देता है। हाँ नहीं ना, फिर बता दे किया क्या है। अम्मी जान, क्या उसके हाथ उठाने का इंतजार करती मैं? नहीं, एक बात सुन ले लड़की, इस सब में तेरी गलती है। उसने अगर तन्हा छोड़ा है तो सिर्फ तेरी वजह से, और मैं जानती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। ये क्या कर रही हैं? मैंने आज तक तुझे नहीं मारा ना, ये इसीलिए सब कुछ हुआ है। अम्मी जान, कहते हैं कि आप मजाक कर रही हैं मुझसे। जो माँ बाप ये काम नहीं करते वो हमेशा कोसते हैं अपने आप को। एमने आंटी, ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? एपिक, तुम मुझे मार खाते हुए कैसे देख सकती हो? हाँ एमने आंटी, आपने हाथ कैसे लगाया? हट जा, आज हमारे बीच कोई नहीं आएगा। अगर ये हरकत मैंने पहले से की होती ना तो ये नौबत ना आती। नहीं आती। अम्मी अगर मारना ही है तो उसको भी मारें, उसकी गलती है। बको मत, बको मत, मेरे मासूम दामाद पर इल्जाम लगाने की कोशिश तुम मत करना। तौबा है, सुबह में आकर अपनी माँ से पिट रही हूँ मैं, वो भी उसकी वजह से। जब तक पिटाई नहीं होगी इसको अकल नहीं आएगी। छोड़ो मुझे, इसको तो मैं पूछती। भागती कहाँ है? इधर आ जल्दी। अरे जल्दी कर खालिद, 1 घंटा हो गया तेरा काम पूरा नहीं हुआ। अरे उस मशीन को इस दरख्त के सामने लाकर लगा ना। ओह या अल्लाह, मेरा कसूर क्या है? हाँ हाँ, उठा 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 और आगे ला, आगे आगे ला। और हशमत, ये क्या है? चांदी के तार हैं ये, मैंने पहले से लेके रख लिए। जब हमारी शादी होगी ना, इसकी अच्छी सी अंगूठी बनवा के मैं तुम्हें पहनाऊंगा। हाँ खालिद, सब रेडी है? हाँ सब रेडी है, बस फाइनल टचिंग दे दूं। मैंने अगर टच कर दिया ना तुझे तो याद रखेगा। ठीक है दादा, अब आप कॉल कर लें। क्या करूंगी मैं बेटा, कल लैला इस घर में आ रही है, मैं अकेली उस औरत को कैसे हैंडल करूंगी? खैरियत तो है हशमत साहब, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, तंदुरुस्त और तवाना। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। अच्छा आज़मी, वो तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। 2 मिनट हैं तुम्हारे पास? अस्तगफिरुल्लाह। जी जी, क्या हुआ? आज़मी, क्या तुम अपनी खिड़की पर आ सकती हो? थोड़ी जहमत होगी तुम्हें। खिड़की? कौन सी खिड़की? वही जो तुम्हारे गार्डन में खुलती है, वहाँ आओ और सामने देखो अपने। आप यहाँ क्या कर रहे हैं हशमत साहब? खालिद, स्टार्ट करो। अम्मी यहाँ आकर देखें। बेटा क्या हुआ, इतने खुश क्यों हो? वो देखें, हशमत दादा मुराद सरसल मास से मुकाबला कर रहे हैं। ये तो इश्क में बिल्कुल पागल ही हो गए दुरुक। जो भी कर रहे हैं लग बहुत अच्छा रहा है। इसमें पेट्रोल डाला था या उसके भी पैसे खा गए? हशमत साहब क्या है ये, खुदा के लिए? ऊपर मेरा पोता खड़ा देख रहा है, शर्मिंदगी हो रही है मुझे। लेकिन शर्मिंदगी किस बात की? ये कोई उम्र है इन बातों की? बताइए, इसका उम्र से क्या ताल्लुक? खुदा के लिए समेटें ये सब और जाइए यहाँ से प्लीज। मेरे मसले का हल तुमने अभी तक नहीं निकाला, वहीं का वहीं है। हर चीज का हल होता है लेकिन इस तरह से नहीं। तुम लोग जाओ और गाड़ी में मेरा इंतजार करो, जल्दी जाओ। तुम्हें अगर कुछ बुरा लगा है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अभी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, हो सकता है बहुत दूर चला जाऊं, लेकिन मैंने जो तुम्हारे सामने बात रखी है उसका जवाब दो। मेरा जवाब इनकार में है, इनकार में। समझ में आ गई बात? इससे ज्यादा अहम मसले हैं हमारी जिंदगी पर जिन पर बात करनी है। यहाँ सर्दी है, अंदर चलिए, वहाँ जाकर बात करते हैं। चलो, अब इतनी जिद कर रही हो। हाँ, आप चलिए अंदर। क्या कंडीशन ज्यादा सीरियस है? जी हाँ, बिल्कुल। दिमाग की तमाम नसें तो इन्फेक्टेड नहीं हैं। अगर ये ज्यादा बढ़ जाएं तो खतरा मौत की हद तक बढ़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि दादाजी हमें मुकम्मल एग्जामिनेशन नहीं करने दे रहे। मेरा मशवरा आपको ये है कि बतौर फैमिली मेम्बर होने के नाते आप इन्हें कन्वेंस करें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये सब ज़रूरी है तो मैं खुद उन्हें यहाँ लेकर आऊँगा, फिक्र ना करें। अपने सामने उनका पूरा चेकअप करवाऊँगा। इजाज़त दें मुझे। कोई मसला नहीं। खुदा हाफिज़। जी दादी जान, हॉस्पिटल आया हुआ हूँ मैं। बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं घर पर आकर बात करूँ आपसे? ठीक है बेटा, हम डिनर पे बात करते हैं। शाम में मिलेंगे उसी जगह जहाँ तुम हमेशा मुझे ले जाते हो। ओके, ठीक है, खुदा हाफिज़। शाम में मिलते हैं। हो गई मेरी बात। अब आप एमने को बुला लें। एमने, गौर से सुनना, जो मैं कहने वाला हूं उसको अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो। असली, मैं ठीक हूँ इसलिए तुम्हें फोन नहीं किया। तुमने यहाँ आने की जहमत क्यों की? दुरुक, तुम्हें अपनी आंखों से नहीं देख लेते तो यकीन नहीं आता मुझे। कैसी हैं आप? दुरुक के एक्सीडेंट का सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं उससे मिलने के लिए आ गई। किस मिट्टी से बनी हो तुम लड़की? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम मुझे यहाँ नजर आ रही हो। अम्मी जान, बेहतर है आप इसको देखने की आदी हो जाएं, क्योंकि अब ये आपको अक्सर यहाँ दिखेगी, इसलिए कि ये अब मेरी गर्लफ्रेंड है। लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है, यूं अपने दिल को थाम ले, रोकता है क्यों भला? शरारतें है इश्क की, किसी किसी नसीब की, टोकता है क्यों भला? नहीं छुपती है फिर